देख रहे हैं सच दर्शन। ब्लू व्हेल गेम जो आजकल पूरी दुनिया में अपने जानलेवा टास्क के चलते चर्चा में है, जहां इस जानलेवा गेम के शिकार बच्चे होते हैं और इसके टास्क को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर अपने शरीर पर खूनी खेल खेलने लगते हैं और अंत में आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। जहां दिल्ली का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक बच्चा इस खूनी खेल के चंगुल में फंस गया और उसके जान पर बनाई, जहां पता चलने पर परिवार ने बच्चे को द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बच्चे की प्राइवेसी के चलते हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बच्चे की हालत पर बात तो नहीं की, पर गेम के बारे में जरूर जानकारी दी और इस गेम के जाल में फंसे बच्चों के सिम्टम्स के बारे में जरूर बताया, साथ ही इससे बच्चों को बचाने के उपाय भी बताए। मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर के एस राणा हूँ। मैं यहाँ बच्चों के दिमाग का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं, उनको कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, और वो बच्चों को ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जिससे उनकी क्यूरियोसिटी जाए। और ये जो एक ब्लू गेम चैलेंज जिसको हम कहते हैं, वो एक मौत का रास्ता है। इसमें बच्चे का इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उसको मौत के सिवाय कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो सुसाइड कमिट्स करते हैं। सबसे ज्यादा ये जो ब्लू वेल चैलेंज है, ये 10 साल और 18 साल की उम्र के बीच के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये जो एज है इसको उथल पुथल की एज कहते हैं और इसको एडोलेसेंट टर्माइल भी हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत जोशीले होते हैं, बहुत एडमेंट होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, हर चीज वो अपने उनकी जो हैसियत है उससे ज्यादा करना चाहते हैं। और इस उम्र में भी क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं। एक तो होते हैं कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वो बच्चे ऐसे हैं वो हर चीज करना चाहते हैं, हर चैलेंज लेना चाहते हैं। एक तो वो उनमें ज्यादा, ये जो बच्चे हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो लूजर होते हैं। वो लूजर जो बच्चे हैं वो क्या, क्योंकि वो अपना उनकी कोई हैसियत नहीं होती, वो जो उनके पेयर ग्रुप्स है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर मान लो पेयर ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा है, वो इस बच्चे को क्या है कि अगर ऐसी कोई स्टोरी सुनाता है या ऐसा काम करने को कहता है तो वो बच्चा जल्दी राजी हो जाता है। दूसरा जो है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो पेरेंट्स हैं इस बच्चे के बिहेवियर को नोट करें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका बच्चा है वो सुबह जल्दी नहीं उठता है, बट अभी देख रहे हैं कि बहुत जल्दी सुबह उठा है, रात भर जाग रहा है, लेट सो रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, खेलना नहीं चाहता है, खाना कम खा रहा है। और दूसरा, उसको जो कमरा है, पहले क्या करता था, अभी अंदर से कुंडी देख रहा था, अभी वो अंदर से कुंडी लगा रहा है, पहले हमेशा बाथरूम की लाइट ऑन रखता था, अभी लाइट उसकी बंद है, कर्टन डरान है पूरे, या अकेले आपने देखा होगा कि वो छत के ऊपर जाके बैठा हुआ है, अकेले में बैठा हुआ है, या फिर कोई बहुत डिप्रेसिव गाने सुन रहा है या अपने दोस्तों से डिप्रेसिव बातें कर रहे हैं। तो ये जो अगर बच्चे में ये सब आपको लगता है कि ये चेंज आई है, तो आप जरूर जो है इस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप जरूर मदद लें। फिलहाल हॉस्पिटल में पीड़ित बच्चे का इलाज चल रहा है, जहां ये दिल्ली का पहला मामला है जहां बच्चा इसकी चपेट में आया है। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।